प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, कोरोना पर काफी हद तक हमने काबू पा लिया है और यह सब आपके सहयोग के कारण हुआ है। अब पॉजिटिव केस आ जरूर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग घर ठीक होकर जा रहे हैं। स्वास्थ्य की अधोसंरचना नीचे तक हमने सुदृढ़ की है और तेजी से आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई है, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। असावधान बिल्कुल ना हो। अगर भारी भीड़ बाजारों में निकल पड़ी, हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, हमने फेस कवर चेहरे पर मास्क नहीं लगाया या फेस को हमने ढका नहीं गमछे से, और हमने स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा, तो ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है मध्य प्रदेश पर। इसलिए दिमाग में ये ना रखें कि अब खतरा ही नहीं है। खतरा है, सावधानी पूरी रखनी। सरकार व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन असावधान ना हो, क्योंकि कोरोना को पूरी तरह से हराना है। इसलिए पूरी सावधानी रखें, डरना नहीं है, सावधान रहना है, कोरोना को मारना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। पूरा प्रदेश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, इस कारण खरीदी भी हमने देर से शुरू की, लेकिन आप अन्नदाताओं को प्रणाम करता हूं। अन्न के उत्पादन के सारे रिकॉर्ड टूट गए और आज की तारीख तक हमने 1,25,60,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया है। शायद पंजाब को हम पीछे छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में ये निसर्ग आ गया। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, बारिश और जारी रह सकती है, लेकिन आप चिंता ना करें, इसे किसान को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये बात सही है कि कुछ गेहूं बाहर रखा हुआ है, अभी सबका भंडारण नहीं हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम नुकसान ना होने दें, और किसान का तो नुकसान हो गई नहीं, हम काहे के लिए, सरकार है, आपका पैसा आपके खाते में आएगा। अब तो तिवड़ा युक्त चना भी खरीदना, अब ऐसी बारिश में थोड़ा धैर्य रखें, 30 तारीख तक खरीदेंगे। संकट की हर घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है। आपसे इतना ही निवेदन है कि व्यवस्था बनाने में सहयोग दें, खरीद केंद्र पर रखे गेहूं को अमला ढकने की बचाने की पूरी कोशिश करेगा, उसमें भी आप सहयोग करें, लेकिन आप चिंता ना करें, आपके साथ हम हैं, सरकार है। धन्यवाद।